कई बार हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं, हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं और जिनका सामना हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। हम किसी भी विचार से परेशान नहीं होते, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि एक छोटी सी बात, एक छोटा सा विचार हमारे मन में बैठ जाता है, छोटा सा विचार हमारे दिमाग में छप जाता है और ये विचार का आकर्षण इतना होता है कि हम चाहते हुए भी इस विचार को अपने मन से नहीं निकाल पाते, हम चाहते हुए भी इस विचार को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। इस विचार का आकर्षण इतना होता है, अगर आप अपने दिमाग में चल रहे इन विचारों से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर कोई बात या कोई विचार या कोई घटना आपके दिमाग में छप गई है और उससे बाहर आप निकलना चाहते हैं, तो आपको आकर्षण के सिद्धांत को समझना होगा। जी हाँ, आपको आकर्षण के सिद्धांत को समझना होगा। हर विचार का एक आकर्षण होता है। मान लीजिए कोई विचार है जो आपके दिमाग में लगातार दिन रात बार बार चल रहा है, आप सबसे पहले ये देखिए कि उस विचार की शुरुआत कहां से हुई थी, उसका बिगिनिंग पॉइंट क्या था। देखिए, कोई भी विचार होता है कहीं ना कहीं से उसकी एक शुरुआत होती है। अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो विचार कहां से शुरू हुआ था। कुछ छोटी सी बात आपके जीवन में हुई, एक छोटा सा विचार आपके अंदर बना और उस विचार का आकर्षण आपको आकर्षित करने लगा। आप बार बार लगातार उस विचार को सोचने लगे, अलग अलग ढंग से आप उस विचार पे अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, अलग अलग ढंग से आप उस विचार को सोचने लगे। अब जब शुरुआत हुई तो आपने उस विचार को सोचना शुरू किया, कभी सोचा कभी नहीं सोचा, कभी सोचा कभी नहीं सोचा, लेकिन धीरे धीरे वो विचार आपके मन में चलता रहा। आप अलग अलग तरीके से उस विचार को सोचते रहे। अब उस विचार का आकर्षण इतना हो गया कि आप उस विचार के एडिक्टेड हो गए। अब जब कुछ समय निकल गया तो आपको ये एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस विचार को सोच रहा हूं, क्योंकि इसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पे पड़ने लगा, क्योंकि इसका असर आपके करियर पे पड़ने लगा, आपके रिलेशनशिप पे पड़ने लगा। तब आप इस बात को समझ पाए कि मैं इस विचार से परेशान हो रहा हूं और ये इसी विचार का आकर्षण है जो मुझे परेशान कर रहा है। अब आपका दूसरा स्टेप शुरू होता है। अब आपने ये सोचना शुरू किया कि मैं इस विचार के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। अब कमाल की बात देखिए, अब आपने ये निर्णय लिया कि मैं इस विचार की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, इस विचार को नहीं सोचूंगा, ये जो छोटा सा विचार लगातार मेरे दिमाग में चलता रहता है, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। आपने डिसाइड किया, लेकिन कमाल की बात ये हुई कि ये विचार आपको और परेशान करने लगा। जैसे ही आपने ये डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, आप इसके बारे में ज्यादा सोचने लगे और इसीलिए आप और ज्यादा परेशान होने लगे और आप स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन का शिकार होने लगे, क्योंकि आपने कहा मैं इस विचार को अब नहीं सोचूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात को जरा ध्यान से समझ लीजिए, विचार तो आपके दिमाग में आ चुका है और अपनी जगह बना चुका है, आप सोचें या ना सोचें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो विचार लगातार आपको परेशान करता रहेगा। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं, आज भी इस वीडियो में बता रहा हूं, हमारे दिमाग में विचारों को डिलीट करने का कोई बटन नहीं होता, आप उस विचार को डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ये आकर्षण का नियम समझ जाते हैं तो आप दूसरे विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जी हाँ, आप दूसरे विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जिस तरह के भी विचार आप चाहते हैं उन विचारों को आप आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे उसी से ही आपकी मानसिकता बनेगी और उसी मानसिकता को का प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। तो आप डिसाइड कीजिए किस तरह के विचारों को आप आकर्षित करना चाहते हैं। जी हाँ, डिसाइड कीजिए
कि अब आप किस तरह के विचारों को आकर्षित करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली नो डाउट, आप पॉजिटिव विचारों को आकर्षित कीजिए, आप पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। और अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके माइंड में नेगेटिविटी डालता है, जो आपके दिमाग को नकारात्मक करता है, कोशिश कीजिए कि उस व्यक्ति से दूर रहिए। अगर आपके घर में, अगर आपके कमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसा फर्नीचर है जो आपको पुरानी घटनाओं की याद दिलाता है, या कुछ ऐसी बात है जो आपको पुराने विचार की तरफ लेके जाता है, तो उस चीज को अपने जीवन से, अपने घर से बिल्कुल हटा दीजिए। धीरे धीरे उसका आकर्षण कम होना शुरू हो जाएगा और अपने विचार और दूसरे विचारों की तरफ अपने आकर्षण को बढ़ाइए। वो काम कीजिए जो आपने आज तक नहीं किया, जैसे लाइब्रेरी जाना, बुक्स पढ़ना, पॉजिटिव लोगों से बात करना। एक एथलीट के माइंड से सोचिए, एक एथलीट क्या करता है, कभी देखा है आपने? अब इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी गेम्स हैं, फुटबॉलर्स हैं और स्पोर्ट्स पीपल हैं, क्या होता है जब ये स्पोर्ट्स ग्राउंड में आते हैं? आपको क्या लगता है, क्या इनके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती? क्या इनके दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहा होता? क्या कहीं भी नेगेटिव विचार, कोई प्रॉब्लम नहीं होती? इट इज इम्पॉसिबल। प्रॉब्लम्स सभी के साथ हैं, विचार सभी के दिमाग में चलते हैं, लेकिन उन विचारों के चलते हुए भी ये लोग ग्राउंड में आते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देके चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी इस बात को समझ लीजिए कि लाइफ इज जस्ट अ गेम। इस गेम को आपको कितने अच्छे तरीके से खेलना है, ये आपको ही डिसाइड करना होगा। इस गेम का कितना बेहतरीन खिलाड़ी आपको बनना है, ये आपको ही डिसाइड करना होगा। अगर इस गेम का लूजर बनना है तो आप उसी विचार के साथ चिपके रहिए। अगर इस गेम का बेहतरीन खिलाड़ी बनना है तो अपने खेल को खेलते जाइए। खेल क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। आप जो भी काम करते हैं, देखिए हर रोज अगर आप दिन में देखेंगे, आपके लिए कुछ काम होते हैं। आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर हैं, प्रोफेशनल हैं, होम मेकर हैं, लीडर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ है। तो जब आप कोई भी काम करें, सुबह उठते ही उस काम में आपने खुद को पूरी तरह झोंक देना है, पूरी तरह एक सरेंडर के साथ आपको कोई भी काम करना है। किसी भी काम में जब आप डूब के करेंगे तो आपका उसके प्रति आकर्षण पैदा होगा और जो पिछले विचार का आकर्षण है वो खत्म होता जाएगा। मैंने आपको अपने हर वीडियो में कई बार बताया और मैं उसी बात को रिपीट करूंगा, जिस चीज के ऊपर से आप अपना ध्यान हटा लेते हैं, जिस चीज से आप अपना फोकस हटा लेते हैं, वो चीज धीरे धीरे आपके जीवन से विलुप्त होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, आई रिपीट, जिस चीज से आपका ध्यान हटा, जिस चीज से आपका ध्यान हटा, वो चीज अपने आप आपकी लाइफ से गायब होनी शुरू हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। और जिस चीज पे आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, किसी भी चीज पे आप एक हफ्ते तक, सिर्फ 1 वीक तक कंटिन्यूसली ध्यान लगा के देखिए, आप देखेंगे कि उस चीज का असर आपके जीवन पे दिखने लगेगा, आपके शरीर पे दिखने लगेगा, आपकी मानसिक स्थिति पे दिखने लगेगा। सिर्फ 1 वीक तक, 1 वीक तक आप कोई भी काम करके देखिए, किसी भी एक विचार को आकर्षित करके देखिए। 24 घंटे दिन रात किसी भी विचार को आप देखिए, आप जो सुनते हैं, आप जो पढ़ते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो लिखते हैं, इन सभी से आपके विचार निर्मित होते हैं। तो अगर आप दिमाग में चल रहे इस एक छोटे से तुच्छ विचार को निकालना चाहते हैं तो आपको एक अपने मानसिकता को एक नई दिशा देनी होगी, आपको अपने सोचने के तरीके को इम्प्रूव करना होगा। जैसे ही आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आप अपने अंदर ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट फील करेंगे। देखिए, विचारों से लड़ना नहीं है, विचारों से डरना नहीं है, विचारों से छिपना नहीं है, विचारों से भागना नहीं है। कहां तक भागेंगे? अपने आप से तो आप कहीं भी नहीं जा सकते भाग के, कहां तक भागेंगे और भाग के जाना भी कहां है? तो क्यों ना इन विचारों का सामना कर लिया जाए। एक छोटा सा विचार ही है ना, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अगर आप इस विचार का सामना करेंगे? तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आपको थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा डर लगेगा,
थोड़ा भय होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्यों ना इसका एक बार सामना कर लिया जाए। तो जिस विचार को लेकर आप परेशान हैं, जो आपके दिमाग में टुक टुक लगाई रखता है, उसका सामना कर लीजिए। हर रोज एक नियम बनाइए, 10-15 मिनट सुखासन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और इस विचार को, आप अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठिए, शांति से बैठिए, ये विचार धीरे से दबे पांव आपके पास आएगा। जब आप आंख बंद करके बैठेंगे, धीरे से ये विचार आपके आपके पास आएगा, आपके सामने आएगा और आप इस विचार को देखें और टाटा बाय बाय करके जाने दें। इसी तरह फिर ये विचार आएगा, टाटा बाय बाय करके जाने दें, ये विचार आपके पास आएगा। फर्क सिर्फ इतना है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है कि आपके अंदर डर है जिसका आप सामना नहीं कर पा रहे। बस थोड़ी सी करेज रखिए और इस विचार को देखना शुरू कीजिए। जैसे ही आप देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है, ये विचार कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई पत्थर नहीं है कि किसी ने आपके सिर पे मारा, ये सिर्फ एक कल्पना है। सिर्फ आपके देखने भर से ही ये विचार मर जाएगा और आप बड़े सुकून से रह पाएंगे, आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। हर रोज 10-15 मिनट आप खुद इस विचार को देखिए। आज तक आप इस विचार से भागते रहे, डरते रहे, छिपते रहे, आपने कहा मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आप बैठिए और ऐसे देखिए इस विचार, इस विचार को आप देखना शुरू कीजिए। देखते 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 आपकी चेतन अवस्था बढ़ने लगेगी और ये विचार धुंधला होते होते खत्म हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप अपनी सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारा पैसा, सब कुछ, अपने एफर्ट्स एक विचार को देंगे, तो आपके पास पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आप अपनी उस एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ लगाइए, जहां आपकी एनर्जी जाएगी। मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया, वेयर द एनर्जी फ्लोज अटेंशन गोज, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अटेंशन और एनर्जी जो है वो साथ साथ चलते हैं। तो अपने अटेंशन को समझिए कि आपने अपना ध्यान कहां लगाया हुआ है। उन चीजों पे ध्यान लगाइए जिससे आपकी मानसिकता इंप्रूव हो। उन लोगों से मिलिए जो आपको सही दिशा दिखाएं, वो बुक्स पढ़िए जो आपको सही दिशा दिखाएं, अच्छा खाना खाइए, मेडिटेशन जरूर कीजिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए और अपने शरीर को बलशाली बनाइए। देखिए, जब आपका शरीर मजबूत होता है ना, जब आप शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं, तब आप मानसिक तौर पर भी चीजों को संभाल लेते हैं। लेकिन जब आप शारीरिक तौर पर कमजोर होते हैं ना, तो मानसिक तौर पर और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। जरूरत है आपको अपने शरीर पे भी ध्यान देने की। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे लोगों के बीच रहिए, मानसिक शांति का अनुभव करना शुरू कीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपसे शेयर करूं, कई बार आप देखेंगे कुछ लोगों को अपना आई चेकअप कराने जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं भाई आपकी पास की नजर जो है ना वो कमजोर है। लेकिन उस व्यक्ति को आप कहिए तारे देख लो तो उसको सारे तारे नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमें पास की चीजें ही तो नहीं दिखती। अगर आप पास की चीजों को देखना शुरू कर देंगे ना, कि आपके पास भगवान का, प्रभु का दिया हुआ कितना खूबसूरत गिफ्ट है आपकी लाइफ, आपको पास की चीज नजर ही नहीं आ रही कि आपका पूरा जीवन है, आपको नजर आ रहा है तो वो छोटा सा तुच्छ विचार। अगर आप इस जीवन को इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, सेल्फ लव करने लगेंगे, सेल्फ केयर करने लगेंगे, प्रभु परमात्मा में विश्वास करेंगे, खुद को सरेंडर करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे विचार मरने लगे। अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। जहां ध्यान जाएगा वहीं आप जाएंगे और उसी दिशा में आपकी लाइफ भी चलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने जीवन का आनंद लें, मानसिक तनाव से दूर रहें। यही प्रभु से प्रार्थना है कि आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। थैंक यू सो मच। पॉजिटिवली आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।